तो यार अभी के टाइम पर कुछ इस तरह के इमेजेस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और बहुत से लोग बना रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इस तरह का मॉम और डैड वाला AI इमेज बनाना है अपने नाम से, तो आप कैसे बना सकते हो इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं। तो इस तरह का इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। बिंग इमेज क्रिएटर जैसे आप लिख के सर्च कर देते हो पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर देना। और यहाँ पर अगर आप इसको पहली बार ओपन कर रहे हो तो इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो जाकर के आप उस वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप इसमें अकाउंट वगैरह बना देते हो तो अभी आपको यहाँ पर फिर से जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर मैंने आपको दो प्रॉम्प्ट दिए हैं, एक मॉम के लिए और एक डैड के लिए। तो आपको जिसका भी इमेज बनाना है, मान के चलो आपको मॉम के लिए या फिर डैड के लिए बनाना है, तो डैड वाला जो प्रॉम्प्ट है उसको आपको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना इस तरीके से। और इसके बाद अभी आपको यहाँ पर क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एज वगैरह चेंज करना चाहते हो या फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है, तो उसकी जगह पर आप यहाँ पर इसको कट करके आप अपना नाम लिख सकते हो। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राहुल। तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने राहुल लिख दिया। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो कलर है फॉन्ट का वो मैंने गोल्डन लिखा है, गोल्डन ग्लोइंग कलर। तो उसकी जगह पर आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी कलर लिख सकते हो। तो अभी के लिए यही रख देता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ी देर प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका इमेज बनकर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर चार इमेज बनकर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप इसमें से जो भी पसंद आता है उसको आप क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से डाउनलोड कर देना, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर मैं जो है मॉम के लिए जो प्रॉम्प्ट है उसको मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। तो अभी ये डैड के लिए हो गया, तो अभी मॉम के लिए भी इसी तरीके से करना है आपको। इसको कट करना है और जो मॉम वाला प्रॉम्प्ट होगा तो उसको कॉपी करके आप यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देना और जो नाम लिखा है उसकी जगह पर आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं अपना ही नाम रख देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है सिर्फ दो ही इमेज बन गए, पता नहीं क्यों हर बार तो चार इमेज बनते हैं लेकिन इस बार तो दो ही बने हैं। और यहाँ पर इसने नाम भी सही से नहीं लिया शायद, ओके तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई। लेकिन इस तरीके से अगर हो जाता है तो आपको यहाँ पर फिर से क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से क्रिएट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर फिर से चार इमेजेस बनकर आ गए हैं। तो अभी हम फिर से इसको देखते हैं सही से बना है या फिर नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है मॉम वाला इमेज भी सही से नहीं बन पा रहा। तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है जब तक ये सही से नहीं बन पाता। तो बहुत से बार ये जो बॉय है वो इधर उधर आ जाता है, मतलब साइड में आ जाता है, तो यहाँ पर सही से बनना ज़रूरी है। तो आपको बार बार यहाँ पर क्रिएट करना होगा जब तक आपका सही से नहीं बन जाता। ओके, तो अभी भी यहाँ पर जो है सही से नहीं बन पा रहा, तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने व्हाइट टी शर्ट लिखा है तो यहाँ पर व्हाइट की जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लैक। ओके, तो अभी यहाँ पर हमने टी शर्ट का कलर चेंज कर दिया है और अभी आप यहाँ पर फिर से क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस बार जो है सही से बन गया है शायद, देखते हैं। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप इमेजेस सही से बना सकते हो। तो यहाँ पर इस बार थोड़ा सही बना है लेकिन फिर भी स्पेलिंग मिस्टेक तो हो ही गई है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको इसमें से जो भी इमेज डाउनलोड करना है सेम उसी तरीके से 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप ऐसे इमेजेस बना सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।